मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे मास ट्रांसफर ऑपरेशन ओपी गुप्ता सीरीज क्वेश्चन नंबर 161 से 170 तक। उनमें सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे वीडियो को शेयर करते हैं और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते हैं और करते हैं। ठीक, वास्तव में हमारा चैनल अभी ग्रो कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में तुम्हारा जो सहयोग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगले आने वाले इतिहास में आपका नाम जरूर आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आइए हम उसको देखें। पहला क्वेश्चन है कि इन अ पेपर इंडस्ट्री पेपर इज ड्राइड इन अ ड्रायर। कभी आप पेपर इंडस्ट्री जाओगे तो वहाँ आप महसूस करोगे जो हमारा कंटेंट होता है, हम पल्प बनाते हैं तो पल्प में क्या बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में वाटर होता है। उसको रिमूव करने के लिए हम लोग कई स्टेज में उसको हम वाटर को निकालते हैं, है ना। तो अब ऐसी कंडीशन में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके वाटर को हमारी क्वालिटी मेंटेन रहे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम सिलेंडर से यूज करते हैं। ऐसे सिलेंडर होते हैं और इनमें क्या होता है कि इनमें बीच में जैकेट होता है, इसमें स्टीम अंदर से फिल होती है और तो ये इनके जो सरफेस होते हैं हीटअप हो जाती है। ऊपर से डालते हैं पल्प को और पल्प इस तरीके से इनकी वेपर जो है वो निकलती आती है भाप की फार्म में। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो हीटेड सिलेंडर यूज करते हैं एज ए ड्रायर। क्वेश्चन नंबर 162, इसका बी आंसर था। क्वेश्चन नंबर 162, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सबस्टेंस व्हेन एट द इक्विलिब्रियम विद अ गिवन पार्शियल प्रेशर इज कॉल्ड, है ना। तो 162 जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली इनमें थोड़े डेफिनेशंस हैं, ये ड्राइंग चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये इक्विलिब्रियम मॉइस्चर के बारे में बात कर रहा है। देखिएगा कि ये ग्राफ हम बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, रेट ऑफ ड्राइंग और यहाँ पर कैपिटल एक्स के बारे में ये ग्राफ है। तो अब इसमें ये कैपिटल एक्स है, तो ऐसी कंडीशन में क्या जो ग्राफ आता है हमारे सामने वो इस तरीके से आता है यहाँ पर और यहाँ पर इस तरीके से आता हुआ और ऐसे आ जाता है। ठीक, तो यहाँ तक जो रेट ऑफ ड्राइंग देखिएगा कांस्टेंट है, तो इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रेट ड्राइंग बोलते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो रहा है, रेट चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम इसको फॉलिंग रेट पीरियड बोलते हैं। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, तो कर्व ऊपर जा रहा है। जब कर्व ऊपर जा रहा है मतलब क्या, रेट ऑफ ड्राइंग बढ़ रही है। रेट ऑफ ड्राइंग तब बढ़ती है जब कोई मटेरियल पहले ठंडा था, उसके ऊपर हमने स्टीम डाल दिया है, उसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने से क्या, वाटर बहुत तेज़ निकलने लगता है। तो इस तरीके से जो हमारी ड्राइंग होती है उसको वार्मिंग अप पीरियड बोलते हैं। तो इतना जोन जो है वार्मिंग अप पीरियड का है। एक्चुअली क्या है कि इस जगह पर इसको हम यहाँ पर जो मॉइस्चर होती है उसको एक्स स्टार कहते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, मतलब यहाँ तक हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि कई चीज़ें हमारे सामने निकल के आती हैं और हमें उनको समझना है। देखो, जो कांस्टेंट ड्राइंग पीरियड तक का समय है, हम इस टाइप की मॉइस्चर जो होती है उसको अनबाउंड मॉइस्चर बोलते हैं। और बची हुई जो मॉइस्चर होती है, जो बच गई है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर सहित सब इतनी बची है, उसको बोलते हैं बाउंड मॉइस्चर। पूरी मॉइस्चर को दो हिस्सों में बांटते हैं, अनबाउंड मॉइस्चर और बाउंड मॉइस्चर। जो कांस्टेंट रेट ड्राइंग है वहाँ तक के सिस्टम को बोलते हैं अनबाउंड मॉइस्चर और बची हुई को बोलते हैं बाउंड मॉइस्चर। ठीक है, अब यहाँ पर एक मॉइस्चर और है, फ्री मॉइस्चर और इक्विलिब्रियम मॉइस्चर। ठीक, तो जहाँ के बाद निकालना हमारा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हम जो ड्राइंग मीडिया यूज कर रहे हैं वो उतना एफिशिएंट नहीं है, तो वो जो मॉइस्चर बच जाती है उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर। और जो बची हुई से रिमूव कर चुके हैं उसको बोलते हैं फ्री मॉइस्चर। तो हम इसको पढ़ाएंगे तो आप पूरा समझ जाओगे, तो ये काफ़ी अच्छा था इसको समझना। तो हम इसको बता दिया क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 162 का है, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर राइट आंसर है। 153 देखिए, 163, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो जो कैल्शियम नाइट्रेट है जिसमें बोलते हैं कैन CAN एज ए फर्टिलाइजर है, एक टाइप का एक क्या बोलते हैं कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। तो अगर इसको ड्राई करने के लिए क्या करते हैं, तो ग्रेनुलर फार्म में जो मटेरियल बन जाता है, ग्रेनुलर फार्म में जो मटेरियल बनता है और उसको ग्रेनुलर फार्म में मटेरियल को रिमूव करने के लिए हम लोग रोटरी ड्रायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसको ड्राई करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ए। 164 देखिए, मॉइस्चर इन अ सबस्टेंस एग्जर्टिंग एन इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर लेस देन दैट ऑफ द प्योर लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास जो सॉलिड है और यहाँ पर बीच बीच में क्या लिक्विड भरा होता है और ये किसी भी टेम्परेचर पर एक वेपर प्रेशर बना रहा होता है, समझ गए, ये लिक्विड जो वेपर प्रेशर बना रहा होता है, मान लो वेपर प्रेशर 50 है इसका, तो हमने देखा कि अगर इसी लिक्विड को बाहर ले लें प्योर स्टेट में और 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम क्या, मतलब कोई भी टेम्परेचर जो टेम्परेचर था इसका, उस टेम्परेचर पर क्या कर रहे हैं, इसका देख रहे हैं वेपर प्रेशर चेक कर रहे हैं, तो मालूम पड़ रहा है 60 है इसका।
यानी यहाँ पर 50 दे रहा है वेपर प्रेशर, जो कि एक्चुअल में उस टेम्परेचर पर इसका 60 है, यानी वेपर प्रेशर बाहर का जो है वो क्या हो रहा है, इसकी एक्चुअल वेपर प्रेशर से कम है। तो मॉइस्चर इन अ सबस्टेंस एग्जर्टिंग एन इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर लेस देन दैट ऑफ द प्योर लिक्विड, ठीक है। तो जब प्योर उसका वेपर प्रेशर है उस टेम्परेचर पर, उसके मुकाबले में कम अगर वेपर प्रेशर बना रहा है, तो ऐसे केस में हमें वहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई तो ऐसी मॉइस्चर को क्या बोलते हैं। मैंने कहा बोलो कम बना रहा है वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर बनाने में दिक्कत आ रही, तो ऐसी मॉइस्चर क्या बोलते हैं, बाउंड मॉइस्चर बोलते हैं। अगर इसी में हम इस तरीके से देखें कि अगर हमारा वेपर प्रेशर जो है वो बराबर बना रहा है या फिर ज़्यादा बना रहा है, तो ऐसे हम ऐसे बोलेंगे अनबाउंड मॉइस्चर बोलेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था ए। 165 देखिए, रोटरी ड्राइव्स कैन नॉट हैंडल मटेरियल। एक्चुअली क्या है, रोटरी ड्राइव्स आप देखोगे, आप सोडा इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कि अगर हम, हमारे पास क्या होता है, इस तरीके का एक रोटरी ड्रायर होता है, इसको बाहर से हम घुमाते हैं, ऊपर डालते हैं जो मटेरियल जिसको ड्राई करना होता है, यहाँ से निकलता जाता है, स्टीम यहाँ से एंटर कराते हैं। अगर मटेरियल यहाँ पर जो आ रहा है उसमें क्या है, थोड़ा गीला मटेरियल मिला हुआ है, चिपचिपा मटेरियल है, तो वो क्या करता है, इन सब इन पे होता है, इसके अंदर स्टीम ट्यूब्स होती हैं, इन पे जम जाता है, जिससे हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कम हो जाता है और हमारे स्टीम प्रॉपर जो है अपनी एनर्जी नहीं दे पाती है, हमारा मटेरियल चिपक जाता है, हमारे हमें इस ऐसे केस में रोटरी ड्रायर बंद करना पड़ता है, ठीक है। जब मैंने सारी चीज़ों को हाथ से किया है तो इनको बंद करना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में स्टकी मटेरियल को ये हैंडल नहीं कर सकता। इसके अलावा फ्री फ्लोइंग मटेरियल है, डाई मटेरियल है, ग्रैनुलर मटेरियल, सबको हैंडल कर सकता है। हम लोग इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे जब रोटरी ड्रायर आपको पढ़ाएंगे। तो मॉइस्चर, इसका राइट आंसर था सी। मॉइस्चर इन अ सॉल्ट एग्जर्टिंग एन इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर इक्वल, बोला ना, इक्वल टू द प्योर लिक्विड। अगर वो प्योर लिक्विड में जो टेम्परेचर पर है उसका सिस्टम मान लो 50 है और बाहर भी 50 है, तो ऐसे केस में क्या बराबर मिल रहा है, तो ऐसा कंडीशन में जो वेपर प्रेशर होता है बराबर है, तो ऐसी मॉइस्चर को बोलते हैं हम अनबाउंड मॉइस्चर। जो मैंने बोला कॉन्सेंट्रेटेड पीरियड था, मतलब मॉइस्चर इजीली वो रिमूव हो पा रही है ऐसा जोन है, तो ये राइट आंसर है। 167 बोल रहा है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आर यूजली ड्राइड इन अ ड्रायर। कौन से ड्रायर ऐसे होते हैं जहाँ पर, जहाँ पर हम ब्रिक्स को यानी ईंटों को हम क्या कहते हैं, ड्राई करते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसका राइट आंसर है टनल ड्रायर, ठीक है। क्या होता है कि इस तरीके से जोन बने होते हैं, हम एक पात्र में गाड़ी वाले पहिया लगे होते हैं, इस पर ईंटें भर लाते हैं अपनी, और ये गर्म मीडियम होता है, जोन गर्म होता है, इससे वो गुजार देते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसी में क्या होता है, मॉइस्चर रिमूव हो जाती है, मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है। ड्रैंग जो है वास्तव में एक यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र भी हो रहा है और मास ट्रांसफ़र भी हो रहा है, ऐसा जोन है। तो ऐसा कई बार इंटरव्यू में पूछता है कि ऐसी यूनिट आप प्रश्न बताइए यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र मास दोनों हो रहा हो, तो उसका राइट आंसर है कि ह्यूमिडिफायर, क्या बोलते हैं, कूलिंग वाटर, जो जहाँ पर कूलिंग वाटर हम बनाते हैं ऐसी प्रोसेस, और यहाँ पर मटेरियल ड्राई करते हैं, ये प्रोसेस दोनों चीज़ें जो हीट और मास दोनों आपस में वहाँ पर फिनोमेना एक साथ हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 168 देखिएगा, हीट सेंसिटिव मटेरियल लाइक सर्टेन फार्मास्यूटिकल मटेरियल, जो फार्मास्यूटिकल मटेरियल होते हैं जिनमें हीट सेंसिटिव है, गर्म करेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उनके अंदर कुछ ऐसी हैं जो कि रेजिन्स हैं, कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर मर जाते हैं, तो उनको हम कैसे फिर ड्राई करते हैं, उनका उनकी रिमूव कैसे करते हैं, ड्राई ड्राई क्यों करना पड़ता है फूड को, ताकि वो ख़राब ना हो, लंबे समय तक प्रिजर्व रह सके, या फिर दवाइयों को, ठीक है, जो जो कि लंबे समय तक उनको हाई टेम्परेचर पर रख नहीं सकते। तो दवाइयों के पैकेट पर लिखा होता है कि डोंट कीप एट हाई टेम्परेचर या फिर कीप एट लो टेम्परेचर लिखा होता है। तो ऐसी जो हमारी मटेरियल होते हैं जिनकी हमें अगर ड्राइंग करना हो ऐसे मटेरियल की, तो उनके लिए हम फ्रीज ड्राइंग यूज करते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीज ड्राइंग, राइट आंसर है सी। फ्रीज ड्राइंग एक्चुअली बहुत महंगी प्रोसेस है। तो 169 के बारे में बताऊँ, मॉइस्चर कंटेंट बाई ए सबस्टेंस इन एक्सेस ऑफ इक्विलिब्रियम मॉइस्चर इज कॉल्ड एक्सेस। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर आपको बताया था कि इस तरीके से मटेरियल ऐसा बनता है, तो इस मॉइस्चर को इक्विलिब्रियम मॉइस्चर बोलते हैं, इसके बची हुई मॉइस्चर जो होती है उसको हम फ्री मॉइस्चर बोलते हैं, ठीक है। तो 169 को क्या बोलते हैं, बी राइट आंसर। 170 में देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 170 कह रहा है कि ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ में ऊपर से कंसंट्रेशन मतलब मॉइस्चर घटती हुई आ रही है, टाइम बढ़ रहा है मॉइस्चर घट रही है, और दूसरे वाले में मॉइस्चर कंटेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है टाइम के साथ में। तो कैसे कोई भी मॉइस्चर परिभाषा नहीं थी, इसमें परसेंटेज क्या हो रहा है, मॉइस्चर घट रहा हो मतलब बढ़ रहा हो, हमेशा ड्राई करने पे मॉइस्चर कंटेंट घटेगा, बढ़ेगा तो कभी नहीं, इसलिए ये तो कोई टाइप की मॉइस्चर हो नहीं सकती। अब बोल रहा है इसमें आगे, बोल रहा है स्टेट विच रीजन रिप्रेजेंट फ्री मॉइस्चर। अब इनमें से तो ये तो खत्म हो गया, 2 सेकंड बचा, तो इनमें क्या है कि अब इनमें कौन सा फ्री मॉइस्चर है, कौन सा अनबाउंड मॉइस्चर, ये बताना है। तो भाई जिन जिन फर्स्ट आता हो तो वो तो आप जो पहले निकाल दीजिए, तो इनमें किसी में भी फर्स्ट नहीं आता है, ठीक है।
तो ये तो आप समझ जाइए कि भैया जब कुछ लोचा वाली बात है। अब इसमें क्या है कि फ्री मास्टर कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन का अगर ए ऑप्शन लगाता हूँ तो इसका मतलब है फ्री मास्टर जो है वो सेकंड नंबर जो लिखा है वो कर्व को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा फ्री मास्टर के बारे में बताऊँ, फ्री मास्टर क्या होता है कि फ्री मास्टर जो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से, यानी यहाँ तक कि मास्टर जो है फ्री मास्टर है, यानी फ्री मास्टर जीरो तक नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला हो सकता है। और इसी तरीके से तो क्या बोलते हैं इसको, सेकंड वाला हो सकता है। और उसके बाद क्या है कि थर्ड, यहाँ पर जो है अनबाउंड मास्टर, अनबाउंड मास्टर क्या होते हैं, ये भी क्या होता है जीरो तक नहीं पहुँचता है। तो सेकंड और थर्ड इसका राइट आंसर है, ये बिल्कुल सही बात है। और सेकंड और थर्ड इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो इसमें कॉम्बिनेशन सेकंड थर्ड का कौन सा मिल रहा है, सेकंड थर्ड का ए मिल रहा है, ठीक। तो फ्री मास्टर जो है वो सेकंड जो हमारा यहाँ पर दिख रहा है जे वाला कर्व है वो फ्री मास्टर को शो करता है, क्योंकि इसमें क्या है कि कंसंट्रेशन टाइम बढ़ रहा है, तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और बाद में क्या घट जा रहा है, बात समझ गए। तो किसका, मास्टर कंसंट्रेशन, तो जो फ्री मास्टर कर्व है। और ऐसे ही जो है दूसरा वाला हमारा जो है वो अनबाउंड मास्टर कर्व है, ये एक डिफरेंट कर्व है, ये आपको मास्टर से पढ़ाएंगे मास्टर में आ जाएगा। अब इसको समझ लीजिए कि ये दूसरा वाला जो फ्री मास्टर को है और ये अनबाउंड मास्टर को है, क्योंकि फ्री मास्टर वाला जो हमारा कंडीशन है एक्चुअली क्या है कि अब इनमें जो पता कर लिया फ्री और अनबाउंड का है। अब फ्री का कौन सा है, फ्री जब मास्टर लेते हैं हम तब वहाँ पर क्या होता है कि कंसंट्रेशन काफ़ी, मास्टर काफ़ी रह जाती है मटेरियल में, और अनबाउंड में कम रहती है। तो इसके साथ अंदाजा लगा सकते हैं। तो लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।